120 साल तक जीने की गारंटी देती है अलसी, लेकिन तरीका ये होना चाहिए। आज हम अलसी की बात करेंगे। अगर आपको अपना लंबा जीवन बिना बीमारियों के जीवन जीना है तो हजारों सालों से अलसी का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में होता आ रहा है। आयुर्वेद में इसे वरदान माना गया है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका तरीका नहीं जानते। तो चलिए विस्तार से पहले हम अलसी के फायदे जानते हैं, उसके बाद जानेंगे इसका तरीका। ये बीज फाइबर से भरपूर होते हैं, अतः ये वजन घटाने में बहुत कारगर होते हैं। महिलाओं में रजोनिवृत्ति के दौरान होने वाली समस्याओं में भी अलसी के उपयोग से राहत मिलती है। ये देखा गया है कि माइल्ड मेनोपॉज की समस्या में रोजाना लगभग 40 ग्राम पीसी हुई अलसी खाने से लाभ प्राप्त होते हैं, जो हार्मोन थेरेपी से मिलते हैं। अलसी के बीज में आयरन, जिंक, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीन तत्व पाए जाते हैं। अलसी के बीजों का सेवन त्वचा को स्निग्ध और स्वस्थ बनाता है, नाखूनों को मजबूत और चिकना बनाता है, नेत्र दृष्टि को बरकरार रखता है, बालों को टूटने से रोकता है और डैंड्रफ भी दूर रखता है। ये त्वचा की बीमारियों, एक्जिमा, सोरियासिस के उपचार में भी कारगर माना गया है। इसके बीजों को गर्म पानी में उबालकर या इसके साथ एक तिहाई भाग मुलेठी का चूर्ण मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से खूनी दस्त और मूत्र संबंधी रोगों में छुटकारा मिलता है। अलसी के बीज का उपयोग खानपान में मेसोपोटेमिया सभ्यता काल से हो रहा है। भारत में भी आयुर्वेदिक उपचारों, भोज्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता रहा है। विज्ञान की नई खोजों से पता चला है कि अलसी कई प्रकार के रोगों और सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी है। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। ये सबसे अधिक मात्रा में समुद्री मछलियों से प्राप्त होते हैं, लेकिन शाकाहारी लोग पर्याप्त मात्रा में अलसी का सेवन करके इसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि अलसी हमारे दिल को भी स्वस्थ रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अलसी के बीज, इसके तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जिनमें की चिकित्सा के बहुत जबरदस्त गुण पाए जाते हैं। दुनिया के अनेक देशों में अलसी या फाग सीड लोकप्रिय और स्वास्थ्यप्रद आहार के रूप में जाना जाता है। आयुर्वेद में अलसी को मंद गंध युक्त, मधुर, बलकारक, किंचित कफवात कारक, पित्तनाशक, स्निग्ध, पचने में भारी, गर्म, पौष्टिक, कामोद्दीपक, पीठ के दर्द और सूजन को मिटाने वाला कहा गया है। दोस्तों, इन्हें आप खाली खाएं, हल्का भूनकर खाएं अथवा सलाद या दही में मिलाकर खाएं, चाहे तो जूस में मिलाकर पिए। यह जूस के स्वाद को बिना बदले उसकी पोषकता को कई गुना बढ़ा देगा। फाग सीड या अलसी के बीज ब्लड प्रेशर नियंत्रण करने, हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए, ब्लड शुगर कंट्रोल में करने के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। ये बीज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, मैग्नीज तत्वों से भरपूर होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को इसका सेवन करना चाहिए। आज भी शहरों और कस्बों के कई परिवार में ऐसी स्त्रियों को अलसी के बने लड्डू और अन्य भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं। ये बात इसी का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज हजारों सालों से अलसी के महत्व को अच्छी तरह से जानते थे और हम उनको भूलकर सिर्फ अब दवाइयों की ओर विश्वास करने लगे। अलसी के बीज लिग्नेंस का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं, जो कि एस्ट्रोजन और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। इसी वजह से औरतों के हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत ही सहायक होता है। अलसी में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और कोलन कैंसर से हमें बचाते हैं। इन बीजों में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो जोड़ों की बीमारी, अर्थराइटिस के रोगों के लिए भी और सभी तरह के ज्वाइंट पेन्स के लिए भी जबरदस्त गुणकारी होता है। अलसी किडनी संबंधी समस्याओं में भी लाभकारी है। डायबिटीज, कैंसर, ल्यूपस और अर्थराइटिस आदि रोगों में भी इनके प्रभावों पर रिसर्च की जा रही है। अलसी के बीज एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल होते हैं, जो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं। अब जान लेते हैं अलसी का सेवन सही तरीके से किस तरह की जाए। अलसी के साबुत बीज कई बार हमारे शरीर से पचे हुए बिना बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें पीस कर इस्तेमाल करना चाहिए। 20 ग्राम यानी कि 1 टेबलस्पून अलसी पाउडर की सुबह खाली पेट हल्के गर्म पानी के साथ लेने से दिन की शुरुआत की जाए। साथ ही इसे आप फल या सब्जियों के ताजे जूस में भी मिला सकते हैं, अपने भोजन में ऊपर से बुरक कर आप इन्हें खा सकते हैं, लेकिन पाउडर फॉर्म में। दिन में ये 2 टेबलस्पून यानी कि 40 ग्राम से ज्यादा अलसी का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। साबुत अलसी लंबे समय तक खराब नहीं होती, लेकिन इसका पाउडर हवा में मौजूद ऑक्सीजन के प्रभाव से खराब हो जाता है, इसलिए जरूरत के मुताबिक अलसी को ताजा पीस कर ही इस्तेमाल करें। ऐसे अधिक मात्रा में पीस कर ना रखें। बहुत ज्यादा सेकने या फ्राई करने से इसके औषधीय गुण नष्ट हो जाते हैं और इसका स्वाद बिगड़ जाता है। अलसी खाने से शुरुआत में कुछ लोगों को कब्ज हो सकती है, ऐसा होने पर पानी ज्यादा पिएं।
अलसी खून को पतला करती है, इसलिए यदि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है और इसके सेवन से पहले आप डॉक्टर को एक बार जरूर सलाह ले लें, अपने वैद्य से परामर्श कर लें। अलसी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर हालांकि कोई बड़ी रिसर्च नहीं हुई, लेकिन पारंपरिक ज्ञान में फाक सीड को बहुत ही गुणकारी माना गया है, इसलिए इसके उपयोग से कोलेस्ट्रॉल के लेवल में भी कमी आना पाया गया है। दोस्तों, ये थी अलसी के गुणकारी तत्वों की जानकारी और एक तरीका था जो 120 साल तक जीने की गारंटी दे सकता है आपको, अगर आप अपना दिनचर्या, अपना खान पान और अलसी का सेवन रेगुलर करते रहे तो ये जानकारी अपने आप तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, अपने घर वालों तक इस वीडियो को शेयर करें और अलसी का ज्ञान उन तक भी पहुंचाएं।